सब लोग आज इकट्ठे। कमलनाथ सरकार में नदी न्यास के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नर्मदा के निरीक्षण को नरसिंहपुर पहुंचे कंप्यूटर बाबा ने नरसिंहपुर के सांकल घाट में नर्मदा से अवैध उत्खनन करते हुए पोकलैंड मशीन और डंपर को रंगे हाथों पकड़ा। हालांकि खनन माफिया डंपर सहित भागने में कामयाब हो गए। वहां पोलैंड मशीन से खनन हो रहा था जिसे हमने बेलखेड़ा थाना फोन करके पकड़वाया और एसडीएम जबलपुर माइनिंग अधिकारी ने आकर तत्काल कार्यवाही की। वहीं शिवराज सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान 6 करोड़ पौधारोपण के दावे खोखले हैं, 600 पौधे भी नहीं रोपे गए थे, इसलिए हम दोनों पहलू को लेकर चल रहे हैं। हम पौधे लगाने की जगह भी देख रहे हैं और पौधा लगाने की तैयारी भी कर रहे हैं, साथ ही नर्मदा में अवैध खनन भी रोक रहे हैं। और शिवराज सरकार के समय जो भ्रष्टाचार हुआ उन सबको जेल में डालने का काम करेंगे। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री कमलनाथ से कहा है। साधुओं द्वारा सरकार चलाने के सवाल पर कंप्यूटर बाबा ने कहा कि अभी तक बीजेपी साधुओं को बेवकूफ़ बनाती रही है और संत अब समझ गए हैं कि बीजेपी सरकार संतों को सिर्फ बेवकूफ़ ही बनाती है, अतः सब संत तटस्थ हैं और जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो धर्म संघर्ष समाज हित में कार्य करेगा। नरसिंहपुर से संवाददाता की रिपोर्ट। और अवैध खनन ना हो उसी के तहत हम आज नरसिंहपुर जिले में घूम रहे हैं। देखा कि आज नरसिंहपुर जिले में सांकल घाट में जब हम उतरे सारे अधिकारी हमारे साथ थे तो दूसरी ओर जबलपुर की तरफ जो है वो एक पोकलैन और डंपर हमने देखा चलते। तुरंत हम नाव में बैठ करके और इस तरफ आ रहे थे जबलपुर की सीमा में और फ़ोन कर दिया तहसील शाहपुरा थाना बेलखेड़ा में कि तत्काल जो है कार्रवाई के लिए पहुँचें। माइनिंग अधिकारी पहुंचे और सारे लोग वहां से भी उन्होंने चल दिया। मेरे ख्याल से 30 मिनट में वो लोग पहुंच गए। हम यहां से नाव से जैसे हम उस पार जा रहे थे कि पोकलैंड मशीन तो नहीं जा पाई, वहीं खड़ी रही। हमने उनको पकड़ लिया पर नाव जो है हमने देखा कि उसमें डंपर जो है वो चलता हुआ और तेज गति से वो बाहर निकाल लिया। ऐसे मैंने जा कर के पूरे अधिकारी आने आ गए, मैंने उनको माइनिंग अधिकारी को कार्यवाही के निर्देश दे दिए। कार्यवाही प्रारंभ है। अब मैं पुनः लौट करके और फिर नरसिंहपुर जिले में 2-3 घाट जो है निरीक्षण भी होगा और पेड़ पौधे कहाँ लगेंगे कैसे लगेंगे उसके लिए भी हम तहकीकात। महाराज जी धन्यवाद। शिवराज सरकार ने पौधे लगाने का दावा किया था 6 करोड़, कहीं दिख रहे हैं ये तो 600 पेड़ भी नहीं दिख रहे हैं। जो पूर्व में हमारे शिवराज सरकार थी उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से कहेंगे कि इसकी जांच कराएं और इनसे पेड़ गिनवाएं, शिवराज से के पेड़ कितने लगाए हैं। भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति को कोई भी हो जिन्होंने नर्मदा पर छल किया है ऐसे को छोड़ा ना।